फ्रेंड्स व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो हम सभी लोग अपने फोन पे यूज करते हैं और व्हाट्सएप हमारे डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप पे टाइम टू टाइम अपडेट्स आते हैं जिसमें कि आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, कुछ स्पेशल सेटिंग्स मिलते हैं, जिसे जानने के बाद आप व्हाट्सएप पे जो है कुछ अलग हटके कर सकते हो। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप स्टेटस की तीन ऐसे खुफिया ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि अपडेट के बाद आई है। और ये सारे ट्रिक्स को जानने के बाद आप जो है व्हाट्सएप पे तहलका मचा सकते हो, व्हाट्सएप पे जो है आप काफी ज्यादा एडवांस लेवल के यूजर बन सकते हो। व्हाट्सएप पे स्टेटस तो हम सभी लोग लगाते हैं, रोज लगाते हैं, लेकिन इस वीडियो में व्हाट्सएप स्टेटस के कुछ तीन ऐसे ट्रिक्स के बारे में शेयर करने वाला हूँ, तीन ऐसे खुफिया सेटिंग्स के बारे में शेयर करने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप भी जो है प्रो लेवल के यूजर बन सकते हो और सारे के सारे अपडेट्स बिल्कुल नए हैं। तो मेक श्योर कि आज के इस वीडियो को पूरा देखें। और जो थर्ड नंबर का अपडेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड को स्किप कर सकते हो, बट जो थर्ड नंबर वाला है ना वो बिल्कुल न्यू है, तो उसे बिल्कुल जरूर से जरूर देखें और काफी यूजफुल ट्रिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी व्हाट्सएप यूजर्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स भी इस अपडेट को जान सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रिक की, फर्स्ट जो है सेटिंग जो अपडेट के बाद आया है आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो फ्रेंड्स जब कभी हम व्हाट्सएप पे कुछ भी स्टेटस लगाते हैं, सपोज मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे ब्लर करना है। तो पहले क्या होता था, इसे ब्लर करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करना पड़ता था और वहां से ब्लर करना पड़ता था, बट अपडेट के बाद आपको सिंपली कुछ करना नहीं, यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन है तो इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको करना है, देख सकते हो कि ये पोर्शन जो है ब्लर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पोर्शन जो है ब्लर हो चुका है और बिना किसी ऐप के। और ये व्हाट्सएप पे जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, व्हाट्सएप स्टेटस का खुफिया अपडेट है, तो एक बार इस सेटिंग को जरूर ट्राई करना। और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं ये लाइन करने का ऑप्शन, यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप जो है मोटा लाइन कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे लाइन कर सकते हो, बट ये जो ब्लर वाला आइकन है यहाँ से आप जो है ब्लर कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आप जो है इजिली किसी भी पिक्चर को जिसे आप चाहते हो कि नहीं दिखाना स्टेटस में, उस पोर्शन को जो यहाँ से ब्लर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप का जो सबसे खुफिया अपडेट था जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, तो आप भी बताएं कि यह अपडेट आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते अपने दूसरे अपडेट, दूसरे सेटिंग की। तो फ्रेंड जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई भी फोटो लगाते हो तो यहाँ पे आपको सॉन्ग लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। सपोज डेट मुझे ये वाला कोई फोटो लगाना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक का ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कि आप म्यूजिक को लगा सको। और अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको पता है कि आपको इंस्टाग्राम पे जाके म्यूजिक लगाना पड़ेगा या फिर कोई ऐप के थ्रू आपको म्यूजिक लगा के सेव करके डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रिक को जानने के बाद आप जो है डायरेक्ट लगा सकते हो म्यूजिक विदाउट एनी ऐप। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है ना, फेसबुक पर आना है और फेसबुक पर आपको एक स्टोरी अपलोड करना है। ध्यान से देखना, ये वाला जो ट्रिक है काफी यूजफुल ट्रिक है और 110% आपको ये काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अब उसके बाद आपको जो भी म्यूजिक चाहिए यहाँ से आपको एक म्यूजिक सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ सपोज डेट, और यहाँ पे जो है सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे शेयर पे क्लिक करते हो तो ये वाला जो है आपका शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे शेयर होता है, तब तक मैं थोड़ा कर लेता हूँ वेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और फ्रेंड्स यहाँ से स्टोरी शेयर होने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव वीडियो का, तो यहाँ पे सेव वीडियो पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे जैसे सेव वीडियो पे क्लिक करते हो फिर आपको व्हाट्सएप पे आना है और स्टेटस जैसे अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपको सॉन्ग के साथ जो है स्टेटस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉन्ग सुनाता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सॉन्ग के साथ आप स्टेटस अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एप्स या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप कि ये वाला जो आपको ट्रिक है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे और लास्ट सेटिंग के बारे में, ट्रिक के बारे में, जो कि अपडेट के बाद आया है और काफी अच्छा फीचर है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही व्हाट्सएप पे कोई भी स्टेटस अपलोड करते हो, सपोज यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सपोज ये वाला अपलोड करता हूँ, अब यहाँ से आप चाहते हो कि आपको कुछ स्पेसिफिक बंदे को दिखाना है तो सिंपली आप पहले क्या करते थे ना, यहाँ से थ्री डॉट पे जाते थे, स्टेटस प्राइवेसी पे जाते थे और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन रहता था वो वाला आप सिलेक्ट कर लेते थे। बट इस अपडेट के बाद आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी इमेज वगैरह सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हैं स्टेटस 105 इंक्लूडेड, तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे आप एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो, किसी किसे आप दिखाना चाहते हो यहाँ पे आप सेटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। इससे ये हुआ कि आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे जाना है, प्राइवेसी पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप जो है इजिली कोई भी फोटो लगा के यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो कि किसे किसे आपको दिखाना है किसे नहीं दिखाना है।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये तीन ट्रिक्स थे, ये तीन सेटिंग्स है जो कि अपडेट करने के बाद आया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही ये जरूर कमेंट करें कि तीनों सेटिंग्स में, तीनों ट्रिक्स में आपको कौन सा ट्रिक जो है सबसे अच्छा लगा, जो कि अपडेट आने के बाद कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।